मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर हादसे में अब तक 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। 4 मजदूरों की तलाश में अभी जुटी हुई है जितनी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुंची है। अभी सभी मजदूरों के बिहार के होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट सामने आया है, मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में अब तक 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 4 मजदूरों की तलाश में लगातार वहां पर रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी मजदूरों के बिहार के होने की आशंका जताई जा रही है। तो मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो मजदूर धंसे हैं उन सभी के बिहार के होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक 8 लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो चुकी है और रेस्क्यू टीम अभी भी लगातार लोगों को निकाल रही है। बचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हादसे का वीडियो पहली तस्वीर और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है वो दूसरी तस्वीर है। दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है। इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार लोगों को बचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो फिलहाल मिजोरम के हंथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने के कारण 8 श्रमिकों की मौत हो गई है। ये घटना हंथियाल जिले के मौदड़ इलाके में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे हुई। हंथियाल जिले के उपायुक्त ने बताया है कि हंथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने से 15 से 20 मजदूर फंस गए, जिसमें से 8 की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, सबसे पहले तो इस मामले में क्या अपडेट है वो जानना चाहूंगी आपसे, और उसके साथ ही आखिर ये घटना घटी कैसे, क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए पूजा, कल ये घटना जो मिजोरम में घटी है, जिसमें बिहार के तकरीबन 1 दर्जन मजदूर की मरने की खबर है, उसको 2:30 बजे के आसपास, कल 2:30-3 बजे के आसपास मिजोरम में ये जो खदान ABCI इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है उसको ये लीज मिला था उस खदान का। पिछले 2.5-3 वर्षों से उस खदान पर वो कंपनी काम कर रही थी। तो कल 2:30-3 बजे के आसपास में ये खदान धंसने की दुखद खबर मिली थी, जिसमें तकरीबन 15 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें 1-2 मजदूर वहाँ से भागने में सफल हुए, लेकिन 1 दर्जन के करीब मजदूर, जिसमें 8 लोगों की का शव बरामद हो गया और 4 लोग का शव अभी भी बरामद नहीं हुआ है। वहाँ SDRF और NDRF की टीम, इसके अलावा असम राइफल्स के जवान भी वहाँ पर कैंप कर रहे हैं और लगातार जो जहाँ पर ये घटना घटी है वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो बची खुची आस है कि कुछ आदमी यदि जिंदा मिलते हैं तो उसको लेकर के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो भी 1 दर्जन के करीब, जिसमें 8 लोगों की का डेड बॉडी मिला है और 4 लोगों का शव अभी तक नहीं मिल पाया है, वो सभी के सभी बिहार के रहने वाले थे, और अभी वो बिहार में कहाँ के रहने वाले थे इसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि बिहार में किस जिले के वो लोग रहने वाले थे। लेकिन लगातार बिहार सरकार संपर्क में है मिजोरम के जो अधिकारियों के साथ, गृह विभाग एवं मुख्य सचिव का जो कार्यालय है लगातार संपर्क में है, ताकि पल पल की जानकारी वो बिहार सरकार को दे सके। अभी तक जो जानकारी है उसमें 8 लोगों की जो मरने की खबर है, जिनका डेड बॉडी बरामद हुआ है, वो सभी बिहार के बताए जा रहे हैं, और जो 4 आदमी जिनकी खोज की जा रही है उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सभी बिहार के रहने वाले हैं। तो लगातार ये बहुत ही दुखद घटना घटी है कल दोपहर से ही, और दोपहर के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि अब जितने घंटे हो गए हैं उस घटना को लेकर के, और जो लोग लापता हैं तो बहुत ही कम चांस बचता है कि उसमें से किसी को जिंदा बचाया जा सके, लेकिन 4 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। कहीं कहीं कुछ हड्डी बरामद हुआ है, बहुत ही विभत्स सीन बताया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर का जो खदान था वो धंसा, जिसमें इन लोगों को निकलने तक का मौका नहीं दिया और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें अपनी जान गंवा दिए हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ पर मौजूद एक वॉलंटियर का भी ये कहना है कि पहले 1-2 पत्थर गिरे और इस दौरान जितने देर में लोग अपनी जान बचा पाते पूरा का पूरा एरिया धस गया। लेकिन फिलहाल आदित्य जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि 15 से 20 मजदूर
इस हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें से ज्यादातर जो मजदूर हैं वो बिहार के ही रहने वाले थे। तो क्या बिहार सरकार की ओर से भी कोई प्रयास अब तक किया गया है, कोई पहल की गई है उन लोगों के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे और ज्यादा तेज किया जा सके, ताकि अगर बिहार का कोई मजदूर वहां पर फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। देखिए पूजा, जैसे ही ये घटना के बारे में पता चला, बिहार सरकार की तरफ से तुरंत अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि मिजोरम की सरकार से और वहाँ के प्रशासन की तरफ से लगातार संपर्क में रहें, और जो भी बिहार सरकार की तरफ से जो हो सकता है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि कहाँ कौन किस जिले के रहने वाले हैं, एक ही वो जितने आदमी थे उसमें क्या सभी एक ही परिवार के थे या कुछ अलग अलग अन्य जिलों के भी थे। पहले बिहार सरकार लगातार मिजोरम के प्रशासन के साथ कांटेक्ट में है, और जो भी बिहार सरकार की तरफ से मतलब बिहार सरकार के अधिकारियों की तरफ को मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो भी बिहार की तरफ से ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, लगातार संपर्क में रहिए, सारी डिटेल जानकारी लीजिए, और जो भी मृतक परिवार हैं उनको बिहार सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे की राशि होती है वो तो बाद में घोषणा की जाएगी। बिहार सरकार की पहली प्राथमिकता है कि पूरी जानकारी इकट्ठा करके सरकार को सामने ये रखे कि ये जो मृतक कहाँ के रहने वाले हैं, वो कितने दिन से वहाँ पर काम कर रहे थे, आखिर इनका बिहार सरकार के अधिकारियों का ये लगातार संपर्क में ये कहना है कि जिस कंपनी को ये ठेका मिला था उस कंपनी के ये लोग रजिस्टर्ड मजदूर थे कि नहीं थे, और रजिस्टर्ड मजदूर थे तो कंपनी एक्ट के अनुसार उनको उस कंपनी की तरफ से। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। अब देखना ये होगा कि बाकी मजदूर जिनको बचाया जा सकता है या फिर शव बरामद किए जाएंगे, उनमें से कितने लोग बिहार के हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आदित्य।